भारत माता की। आप काफी लंबे समय से मेरे सभी भाई बहन बुजुर्ग यहां पर इंतजार कर रहे हैं। मुझे जानकारी दी विधायक महोदय ने कि कई मेरे भाई बुजुर्ग सुबह 10 बजे यहां पर आ गए थे। मैं आने में मुझे देरी हुई, ऐसे समय 2 बजे का दिया था, लेकिन उत्सुकता के कारण आप सही समय पर आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों और बहनों, मेरे सभी बुजुर्ग, हम सबको मार्गदर्शन करने वाले हमारे पिताश्री की तरह सब बुजुर्ग भारत के प्रधानमंत्री जी का विचार है कि इस देश के अंदर जो भी हमारे दिव्यांग जन है, वयोवृद्ध है, वह सब आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से जिंदगी जिए। आज मैं बहुत बड़ी संख्या के अंदर यहां पर उन दिव्यजनों को देख रहा हूं जिनमें आज भी काम करने का आत्मविश्वास है और अपनी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से जीना चाहते हैं। हम दिव्यजनों के बेटे के रूप में, भाई के रूप में, हम चाहते हैं वे दिव्यजनों को वो आत्मसम्मान से जिंदगी जिए। भगवान ने कुछ न कुछ कमी जरूर छोड़ी है, लेकिन सबके सहयोग से, सबके प्यार से उन कमी को हम सामूहिक रूप से पूरा करेंगे और हर दिव्यजन को वो अपने पैरों पे खड़ा हो और अपना खुद का काम कर सके। और कई दिव्यजन तो आज भी पूरे के पूरे परिवार को पालने का काम करते हैं। हमने देखा है कि हमारे दिव्यजनों में कितना आत्मविश्वास है, कितना काम करने का जुनून है। और इस देश के अंदर हमारे दिव्यजनों ने भारत का गौरव और सम्मान बढ़ाने का काम किया है। अभी कुछ दिनों पहले पैरा ओलंपिक के अंदर हमारे दिव्यजनों ने बहुत मेडल जीतकर भारत का गौरव और सम्मान बढ़ाया है। ऐसे कई उदाहरण है मेरे पास कि कई दिव्यजनों ने विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र के अंदर, अपने प्रोफेशन के अंदर कई ऐसे अभूतपूर्व काम किए हैं जो सामान्य व्यक्ति भी नहीं कर सकता। और इसलिए इन दिव्यजनों का हमारे समाज में व्यापक सम्मान है। उनके काम करने की क्षमता, उनकी सोचने की क्षमता,
काम के प्रति उनका जुनून और देश के प्रति जिस समर्पित भाव से काम करते हैं, इन दिग्विजयों के कारण भारत में कई क्षेत्रों में अपने गौरव सम्मान को बढ़ाया है। मैं चाहता हूं कि कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के अंदर भी हमारे हर दिग्विजन को, जिनके शरीर में कुछ न कुछ कमी है लेकिन उन यंत्रों के कारण उन कमी को सहायक उपकरण मिलने के बाद वह दिव्यजन और बेहतरीन काम कर सके, इसके लिए हम एक व्यापक प्रयास कर रहे हैं। हमारे कई दिव्यजन यहां पर आए हैं, यहां से आकर मोटरसाइकिल साइकिल लेकर जाएंगे, लेकिन कई दिव्यजन अभी भी हैं जो इस शिविर के अंदर नहीं आए हैं। हमारा लक्ष्य है कि 2023 तक कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के अंदर हर गांव में एक विशेष शिविर लगाकर इन दिव्यजनों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। इसी तरीके से हमारे कई वयोश्री आए हैं, बुजुर्ग लोग आए हैं, उम्र के कारण कई तरह की शरीर में असमर्थता व्यक्त हो जाती है और इसलिए उनको सहायक उपकरण की आवश्यकता पड़ती है। कई हमारे बुजुर्ग लोगों के दांत नहीं है, उनको दांतों की बत्ती सी मिलेगी। कई बुजुर्ग जन जो सुन नहीं सकते, उनको कान में मशीन मिलेगी। कई हमारे वयस्क लोगों को उम्र के कारण दिखने में परेशानी आ रही है, उनको चश्मा मिलेगा। और आने वाले समय के अंदर 2023 तक हर गांव में चिन्हित करके जिस भी व्यक्ति को आंखों के ऑपरेशन की जरूरत है या उनकी रोशनी कम हो रही है या मोतिया बिंद हो रहा है या काला पानी हो रहा है, उन सभी को उन्हीं की गांव में चेकिंग कर उनका निशुल्क आई कैंप लगाएंगे ताकि कोई आंखों से अंधा ना होए। हम चाहते हैं कि हर गांव के अंदर जब आप ये यंत्र लेकर जाएं तो वहां पर जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको चलने में दिक्कत आ रही है, छड़ी की आवश्यकता है, किसी के पैर में चोट लगने के कारण चल नहीं पाते, उनको व्हील चेयर की आवश्यकता है, कई लोगों को बैठकर अपनी नित्य क्रिया नहीं कर सकते तो कमोड की आवश्यकता है, कई हमारे बुजुर्गों के कमर में दर्द है इसलिए कमर की बेल्ट की आवश्यकता है, कई हमारे बुजुर्गों के गर्दन में दर्द रहता है और उनको स्पाइनल पेन रहता है, गर्दन का दर्द रहता है, उसके लिए गर्दन का पट्टा है। ऐसी तमाम चीजें जो उसके जीवन के अंदर उसको चलने में सहायक हो। कई बुजुर्गों को मैंने देखा कि एक पैर छोटा एक पैर बड़ा हो जाता है, उनके लिए फुटवियर है, और ऐसे लोग जिनके एक हाथ नहीं है पैर नहीं है उनको ओलंपिक योजना के तहत हम सबको एक हाथ पैर या दोनों पैर अत्याधुनिक तरीके के ओलंपो कंपनी के द्वारा उपलब्ध कराएंगे। भारत सरकार का मानना है कि इस देश में जितने विकलांग हैं उन सब विकलांगों को हर तरीके की सहायता सरकार करे, और इसीलिए पहले विकलांगों की केवल 7 श्रेणी हुआ करती थी। प्रधानमंत्री जी ने
जब देखा कि सात सेनी के अंदर पूरे हमारे विकलांग भाई दिव्यजन कवर नहीं होते हैं, इसलिए अब 21 सेनियां बनाकर सभी तरीके के दिव्यजनों को उन सेनी के अंदर लाकर उनको कुछ न कुछ सहायता मिले। इसलिए शिक्षा के अंदर, नौकरी के अंदर दिव्यजनों को अच्छी शिक्षा मिले, उसके लिए आरक्षित कोटा बढ़ाया है, दिव्यजनों को नौकरी मिले उसके लिए सरकारी नौकरी का भी कोटा बढ़ाया है, और इसी तरीके से आने वाले समय के अंदर जैसा आज शिविर लगा है, अगली बार हर दिव्यजन को हम सस्ती दर पर ऋण दिलाकर उसको आत्मनिर्भर बना सके, वह रोजगार कर सके, दो टाइम की रोटी का इंतजाम अपने परिवार के लिए कर सके, ऐसा शिविर भी लगाने का काम करेंगे। मुझे आशा है कि आज भी बड़ी संख्या में लोग आए, लेकिन उससे बड़ी संख्या के अंदर आज भी गांव से नहीं आ पाए हैं, इसलिए शिविर आज और कल शिविर लगेगा जिसमें रजिस्ट्रेशन होगा, और फिर एक बार मैं तमाम सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा कि वह हर गांव के अंदर अपने दिव्यजनों को चिन्हित करें, वयोवृद्ध लोगों को चिन्हित करें, उनको जो उपकरण की आवश्यकता है उनका नाम, पता, टेलीफोन नोट करें, और अगली बार फिर रजिस्ट्रेशन का एक और कैंप लगाएंगे, और उसमें इस लक्ष्य के साथ कि मेरे गांव के अंदर एक भी दिव्यजन नहीं रहेगा, मेरे गांव के अंदर कोई भी वयोवृद्ध जिसको सहायक उपकरण की आवश्यकता है वो उपकरण नहीं रहेगा, हमको ये सब काम सामूहिक संकल्प शक्ति के साथ करना है, और मुझे आशा है अगर हम सबने की किया तो आने वाले समय में 2023 के अंदर कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के अंदर जहां दिव्यजनों को सहायक उपकरण उपलब्ध होंगे, वयोवृद्ध को सहायक उपकरण होंगे, और उसके साथ साथ हर व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए उसी गांव में मेडिकल कैंप लगाकर उसकी सारी जांचें कराकर और जहां भी दुनिया के अंदर देश में उसकी इलाज की आवश्यकता होगी उसको इलाज कराकर उसको स्वस्थ रखने का काम भी करेंगे, ताकि हर व्यक्ति स्वस्थ रहे तो बेहतर जिंदगी जी सकता है। मुझे याद है आज भी गांव के अंदर कई लोग गंभीर बीमारियां होती है, लेकिन धन के अभाव के कारण, जानकारी के अभाव के कारण वो इलाज नहीं करा पाते। हम सबका दायित्व है कि उस गांव के अंदर वहीं मेडिकल कैंप लगाकर वहीं उनकी जांचें कराकर जिसकी आवश्यकता होगी जिले अस्पताल के अंदर, जिसकी आवश्यकता होगी मेडिकल कॉलेज में, जिसकी आवश्यकता होगी जयपुर में, और जिसकी आवश्यकता होगी दिल्ली एम्स में, सब जगह उनका इलाज करेंगे, ताकि बूंदी, कोटा बूंदी का व्यक्ति, हर व्यक्ति स्वस्थ रहे। ये मैंने आग्रह सभी माननीय सांसद महोदयों से भी करा है कि सब सांसद अपने अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर इसी तरह का कैंप लगाए, लोगों को स्वस्थ रखने के लिए अभियान चलाए, जहां लोग अशिक्षित हैं उनको पढ़ाने के लिए मेरी पाठशाला जैसा विद्यालय चलाए, ताकि हम एक आदर्श देश बना सके, जिस आदर्श देश का सपना भारत के उन शहीदों ने सोचा था, क्योंकि ये वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव का वर्ष है और हम सबके लिए सामूहिक संकल्प का पर्व भी है कि हम किस तरीके से सामूहिकता के साथ समाज के अभावों को दूर कर देश को आर्थिक और सामाजिक रूप से एक नए भारत बनाने का अभियान करें। इसलिए मेरी माता बहनें भी यहां बैठी है, मैं माता बहनों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि आप अपने अपने गांव के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएं, और सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर हम उनको राज्य से, केंद्र से, एनजीओ से और जगह से जहां भी सहायता होगी सहायता उपलब्ध कराएंगे, ताकि हर महिला को अपने गांव में रोजगार मिल सके। ये सब काम हम अगर सामूहिकता के साथ करेंगे
तो एक अच्छे और बेहतर परिणाम मिल पाएंगे। बूंदी मेरी जन्म स्थली है और मैं चाहता हूं कि बूंदी के लोगों ने हमेशा मुझे प्यार और स्नेह दिया है, और ये अपेक्षा बूंदी के लोगों की भी है कि उन्होंने मुझे सांसद बनाकर भेजा, लोकसभा स्पीकर बनाया, तो बूंदी को हम विकास की दृष्टि से आगे ले सके, क्योंकि बूंदी का एक गौरवशाली समृद्ध इतिहास रहा है, बूंदी का एक बलिदान का इतिहास रहा है। दुनिया के अंदर बूंदी का नाम पूरे देश के अंदर है। अभी जब मैं कुछ दिनों पहले जब दुबई गया था तो वहां भी मैंने देखा कि वहां भी बूंदी का नाम था। मुझे देखकर बहुत खुशी हुई कि चाहे किसी भी देश के हिस्से में चले जाओ, बूंदी का नाम एक समृद्ध गौरवशाली इतिहास के रूप में रहा है। हम गौरवशाली इतिहास को याद करें और आधुनिकता के आधार पर विकास करें, और इसीलिए बूंदी के जितने भी बावड़ियां हैं, किले हैं, किस तरीके से हम उनको और पर्यटन की दृष्टि से आकर्षित बना सके। अभी भी दुनिया और देश का विदेशी पर्यटक बूंदी में आता है, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि बूंदी के अंदर देश विदेशी पर्यटकों को और आकर्षित कर सकते हैं। यहाँ की चित्रशैली, यहाँ के बहुत सारे, एक एक गिनाने लगूं तो एक लंबी पुरातत्व कार्यशैली यहाँ की रही है, और इस पुरातत्व कार्यशैली को आज दुनिया देखने आना चाहती है, और इसीलिए मैंने जिला कलेक्टर महोदय से कहा है, विधायक महोदय से कहा है कि एक व्यापक कार्य योजना बनाए, ताकि हम अभी भी ये दुनिया के पर्यटक नक्शे में, लेकिन और पर्यटकों को कैसे आकर्षित कर सकें, इसके लिए भी एक कार्य योजना बनाया जाए। और इसी तरीके से आने वाले समय के अंदर हमारा नौजवान शरीर से स्वस्थ रहे, हमारा नौजवान पढ़ने के बाद खेल के मैदान में आए, और इसलिए खेल की मैदान को आधुनिक मैदान बनाने की मांग बहुत दिनों से थी। माननीय विधायक महोदय मुझे हमेशा चर्चा करते रहते थे कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा खेल संकुल का मैदान है, यहाँ पर आधुनिक खेल सुविधा होनी चाहिए। मैं आज बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जन विकास योजना के माध्यम से 20 करोड़ रुपए का खेल संकुल में काम होगा, जहाँ पर एक इंडोर हॉल होगा जिसमें बैडमिंटन होंगे, टेबल टेनिस होंगी, बास्केटबॉल होगी, वॉलीबॉल होगी। 8 करोड़ की लागत से एक इंडोर स्टेडियम यहाँ पर बनाया जाएगा। इसी तरीके से आने वाले समय के अंदर चाहे पुलिस में हो, चाहे आर्मी हो, सभी जगह खिलाड़ियों को दौड़ने के लिए एक उपयुक्त स्थान की आवश्यकता थी, और अब खिलाड़ी सिंथेटिक ट्रैक पर दौड़ते हैं, और ये कोटा से भी पहले बूंदी में 400 मीटर का सिंथेटिक ट्रैक 7 करोड़ रुपए का बनेगा। बूंदी क्योंकि आधुनिकता में, तो बूंदी बरसों से इंतजार कर रही थी कि हमारे यहाँ भी स्विमिंग पूल होना चाहिए, तो एक स्विमिंग पूल भी बनेगा 5 करोड़ की लागत से। और इसी तरीके से बूंदी के लोग अब बाल गंगा में सुबह नहाने की जगह सुबह ट्रैक घूमें, इसके लिए 70 लाख रुपए का एक 1.5 किलोमीटर का ट्रैक भी बनेगा। मैं चाहता हूँ कि बूंदी के हर व्यक्ति स्वस्थ की दृष्टि से स्वस्थ रहे, इसलिए खेल संकुल को एक आधुनिक खेल मैदान बनाया जाएगा। इसी तरीके से हमारी योजना है कि हर पंचायत के अंदर खेल मैदान विकसित किए जाए, ताकि गांव का नौजवान खिलाड़ी, उसको एक अच्छा खेल खेलने के एक मैदान मिल सके। मुझे आशा है कि इसके लिए जिला कलेक्टर महोदय जितनी जल्दी जमीन आवंटित कर देंगे उतनी जल्दी बना देंगे। एक जिला कलेक्टर ने कहा है कि SC ST के छात्रावास भी होना चाहिए, मैंने उनको कहा कि वो जमीन उपलब्ध करा दें, जिस दिन जमीन उपलब्ध करा देंगे 3 महीने के अंदर SC ST का एक छात्रावास भी यहाँ निर्माण करा देंगे। मुझे आशा है आने वाले समय के अंदर बूंदी के विकास की एक व्यापक कार्य योजना बनाई जाएगी, ताकि एक आधुनिक समृद्धशील इतिहास, एक गौरवशाली इतिहास, एक गौरवशाली वाली परंपरा वाला बूंदी
आधुनिकता और विकास की दृष्टि से भी अग्रिम जिला बन सके। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। पुनः मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप जब लोग गांव में जाएं और गांव में आपको लगे कि हमारे और साथी हैं जिनको इन सहायक उपकरणों की आवश्यकता है, तो कल भी रजिस्ट्रेशन कैंप लगेगा, नहीं तो अपने गांव में आप सूची बना लें। बहुत जल्दी हम रजिस्ट्रेशन कैंप लगाएंगे और आपको खुद आने की आवश्यकता नहीं होगी। अगली बार हमारा सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता आपको गांव में लेकर रजिस्ट्रेशन कराएगा और उसके 4 महीने बाद आपको सहायक उपकरण मिल जाएंगे, ताकि 2023 तक कोई भी व्यक्ति यहां पर सहायक उपकरण की कमी से न रहे। ये हमारी जिम्मेदारी है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।